दोस्तों मेरा नाम है भव्य और आज हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी को लेकर कुछ लोगों के अंदर इतनी ज्यादा गलत फहमी है, आज उन्हीं सब गलत फहमियों पे हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड के ऊपर अब एक डायग्राम बनाया, आज आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में पूरे डिटेल में समझाने के लिए। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर एक नॉन इन्वर्टर एसी का डायग्राम बनाया और दूसरा ये इन्वर्टर एसी का डायग्राम है। अब देखिए, इन दोनों में सबसे ज़्यादा खास फर्क ये होता है कि अगर हम सपोज करते हैं कि हमें कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आज मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि जिसको ज़ीरो टेक्निकल नॉलेज होगी वो भी इस चीज़ को बड़े ही आसानी से समझ लेगा। तो अभी देखिए, ये तो हमें सबको पता है कि एसी को हम किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर सेट करते हैं। अभी मैंने एसी को 25 डिग्री पर चलाया हुआ है, इन्वर्टर वाले को भी और यहाँ पर नॉन इन्वर्टर वाले को भी 25 डिग्री सेल्सियस पर चलाया हुआ है। अब देखिए, जो नॉन इन्वर्टर एसी है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है। अब जैसे जैसे सपोज करते 27 से शुरू हुआ, अब हमारे रूम का टेम्परेचर जब हमने इसको 25 पे सेट करा जब 27 डिग्री था, अब 26 आएगा, 25 आएगा। मोस्टली एसी में क्या होता है कि जब 25 से एक कम आ जाता है तो एसी ट्रिप कर जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारा कंप्रेसर है इसके अंदर जैसे ही डिजायर टेम्परेचर के एक डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच जाता है टेम्परेचर, वैसे ही ये कंप्रेसर को ट्रिप करा देता है, मतलब कंप्रेसर पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता है। और जैसे ही फिर 25 से ऊपर, सपोज करते हैं हमारा 24 पे कट करा, तो जैसे ही इसका 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँचने लगेगा वैसे ही ये फिर से ऑन हो जाएगा और फिर से कंप्रेसर इसका वर्क करना शुरू कर देगा। ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर एक मोटर के द्वारा चलता है। यहाँ पे ये मोटर है और ये फिर यहाँ पे पिस्टन रॉड के थ्रू मैंने इस कंप्रेसर को कनेक्ट कर रखा है। ये पिस्टन है इसका और ये ऊपर नीचे होता है और ये यहाँ पे गैस को कंप्रेस करता है। अब देखिए, अब दूसरी ओर चलते हैं इन्वर्टर एसी की तरफ। अब इन्वर्टर एसी में क्या फ़ायदा है, सपोज करते हैं हमने इसको भी 25 डिग्री पर चलाया। अब देखिए, 25 डिग्री पर चलाने के बाद अब ये भी 27 डिग्री से शुरू हुआ, हम सपोज करते हैं हमारे रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री ही था जब हमने इसको 25 डिग्री पर सेट करा। तो अब देखिए, ये धीरे 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 ये भी टेम्परेचर को कम करेगा, एयर कंडीशनर है तो टेम्परेचर को तो कम करेगा ही, बट ये एक वेरिएबल स्पीड ड्राइव होता है, मतलब जैसे ही ये डिजायर टेम्परेचर के पास पहुंचने लगेगा तो ये अपने कंप्रेसर की स्पीड को, जो इसकी मोटर है वो वेरिएबल स्पीड को एक्वायर करेगी और अपनी स्पीड को कम कर लेगी। मतलब अगर ये सपोज करते हैं हमने 27 पे चलाया या 28 पे चलाया, तो उस टाइम ये इसकी मोटर बहुत ही पावरफुल तरीके से वर्क करेगी, मतलब अपनी फुल एफिशिएंसी पे वर्क करेगी। और उसके बाद जैसे ही डिजायर टेम्परेचर के आसपास पहुंचने वाला होगा तो ये क्या करेगी, जो ये कंप्रेसर की मोटर है इसको एकदम स्लो डाउन कर देगी, मतलब इसकी स्पीड को वेरी करेगी। और यही सबसे ज़्यादा खास डिफरेंस होता है नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी के बीच। इन्वर्टर एसी क्या करता है, अपने कंप्रेसर की स्पीड को वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अभी देखिए, 25 डिग्री जैसे हमारा पहुंचने वाला होगा तो इसमें सिस्टम पूरा ट्रिप नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें सिस्टम पूरा ट्रिप नहीं करेगा, बट अपनी स्पीड को, कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को वेरी कर देगा, मतलब कम कर देगा। और फिर जैसे ही रूम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो वैसे ही अपनी कंप्रेसर की स्पीड को एडजस्ट कर लेगा और उसको बढ़ा देगा। और जैसे ही डिजायर टेम्परेचर के आसपास पहुँचने वाला होता है टेम्परेचर, वैसे ही ये अपने कंप्रेसर की मोटर को स्लो डाउन कर देता है और इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा बचती है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जब बार बार हमारा कंप्रेसर ट्रिप करता है तो इसमें स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि इसमें बार बार कंप्रेसर ट्रिप नहीं करता, वो अपनी मोटर को वेरी कराता है, उसकी स्पीड को वेरी कराता है। तो इसीलिए जो इन्वर्टर एसी है उनको ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना ही कोई ट्रिपिंग होती है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग करंट क्या हो जाता है, लो, क्योंकि ये अपनी स्पीड को जब स्टार्ट करेगा जब भी इसकी स्पीड को स्लो रखेगा और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, इसी की वजह से इसका स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा लो होता है। वहीं दूसरी ओर इसका स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं माना जाता और इससे बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में इन्वर्टर शब्द सुनते ही ये बहुत दिमाग में आता है कि ये इन्वर्टर पर चलता है, इन्वर्टर एसी इन्वर्टर पर वर्क करता है,
या फिर लाइट जाने के बाद भी ये वर्क करता है, या फिर इसके अंदर कोई इन्वर्टर फिट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर इन्वर्टर तो फिट होता है, बट इन्वर्टर वो वाला नहीं जो आपको पावर सप्लाई देता है जब आपकी पावर सप्लाई कट हो जाती है। इसके अंदर एक इन्वर्टिंग सर्किट होता है जो कि इसी कंप्रेसर के मोटर को चलाता है। तो वो इन्वर्टर, घर वाले इन्वर्टर और इसके इन्वर्टिंग सर्किट में फ़र्क है। बस जो इन्वर्टर का जो सर्किट है वो मैं किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा इन्वर्टर सर्किट के बारे में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज वीडियो बनाएंगे और उसमें मैं आपको इन्वर्टर सर्किट के ऊपर ही बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों इसको इन्वर्टर एसी कहते हैं, किस वजह से इसको इन्वर्टर एसी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये तो पक्का क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं और ये इन्वर्टर एसी इन्वर्टर वर्क नहीं करता। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।